आप लोगों को तो पता ही होगा कि हमारे चैनल के ऊपर एक सीरीज चल रही है, जिस सीरीज का नाम है दी एट पेंटिंग्स ऑफ द वॉरियर्स ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, जिसके अभी तक तो 6 वीडियोस हो चुके हैं। ये मतलब ये छठा वीडियो है, इसके पहले 5 वीडियोस हो चुके हैं। एंड ये छठे वीडियो में भी आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग स्केच देखने को मिलने वाला है एक वीर मराठे के बारे में। एंड अभी भी 2 वीडियोस यानी कि 2 वीडियोस बाकी है, तो इसलिए आपको क्या करना है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना है। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बता दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आगे के वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। एंड एक और चीज कि मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पर भी बहुत सारे अपडेट्स मैं देता रहता हूँ, साथ ही में वहां पर भी बहुत से इंफॉर्मेटिव रील्स और पोस्ट आते रहते, तो वो भी आप लोग देखकर कुछ सीख सकते हो। एंड एंजॉय कीजिए इस वीर मराठे की ड्राइंग को और उनके एक इंस्पायरिंग लाइफ की स्टोरी को, उनके इंस्पायरिंग बायोग्राफी को। एंजॉय। राजा शिव छत्रपति महाराजांचा। तो आज की ये कहानी एक ऐसे वीर योद्धा के बारे में है जिसने हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का बहुत मदद किया स्वराज्य को निर्माण करने में, जिनका नाम है श्री नेताजी पालकर। इनका जन्म हुआ 1620 में खालापुर, एक रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र स्टेट में, जिन्होंने बचपन से ही हमारे महाराज की खेल कूद के साथ साथ उनके विचारों में सहमति दी और साथ ही में बड़े होने के बाद भी उनके सेना में जुड़ गए। नेताजी पालकर मराठा सेना के स्वर्णोबत थे, यानी कि कमांडर इन चीफ अंडर छत्रपति शिवाजी महाराज। नेताजी पालकर स्वराज्य में बहुत देर तक यानी कि बहुत काल तक स्वर्णोबत बनकर रहे थे, इसीलिए बहुत से लोग मतलब कि प्रजा उन्हें दूसरा शिवाजी कह के भी पुकारते थे। इस टाइप के वो निष्ठा से काम करते थे बहुत ही पहले से। इनका मूल गाँव पुणे था, बट उनके पिताजी पहले ही रायगढ़ जिले में खालापुर यहाँ पर बस गए थे, इस वजह से उनका जन्म खालापुर गांव में हुआ। इन्होंने बहुत से युद्ध किए हैं, हमारे महाराज को बहुत मदद की है, जैसे कि अफजल खान का वध के टाइम का युद्ध, वहाँ पर अफजल खान की जो सेना थी उनको गुमराह करने का बहुत बड़ा काम नेताजी पालकर उन्होंने किया था। पर पुरंदर की लड़ाई के बाद हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनके साथ वाद विवाद का बनाव करके उन्हें मुगलों के पास भेज दिया था। उन्होंने आदिल शाह के ऊपर आक्रमण कर दिया था और उस आदिल शाह ने हमारे नेताजी पालकर को पकड़कर बंदी बना लिया था। बाद में जाके हमारे नेताजी पालकर का उन्होंने धर्मांतर किया इस्लाम धर्म में और हमारे नेताजी पालकर को उन्होंने कैद करके रख दिया। इस वजह से वो हमारे स्वराज्य से बहुत दूर थे। उनको बहुत सालों तक मुगलों का गुलामी करनी पड़ी, मुगलों का गुलाम बनकर रहना पड़ा। पर फिर भी वहाँ से छूटने के बाद नेताजी पालकर पूरे 9 साल के बाद स्वराज्य में लौट कर आए थे। तभी सभी लोग बहुत खुश हो गए थे और हमारे श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज उन्होंने पूरे अच्छे से विधि विवाद करके, सारे रीतियाँ करके हमारे श्री नेताजी पालकर को फिर से हिंदू धर्म में धर्मांतर करवाया और आगे जाके फिर उनके बेटा ना जानो जी उनका अपने मतलब कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटी से विवाह भी करवाया। और ऐसे ही हमारे वीर श्री नेताजी पालकर उन्होंने धर्मांतर हो जाने के बाद फिर भी उन्होंने अपने स्वराज्य का साथ नहीं छोड़ा, वो अपने स्वराज्य के लिए कोई ना कुछ चीज़ें करते रहे और बाद में आगे जाके वो फिर से हिंदू धर्म में धर्मांतर करवा के अपने महाराज के लिए सेवा करने लगे। आगे जाके जब भी हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज चल बसे, उसके बाद भी जो हमारे अगले राजा थे श्री छत्रपति संभाजी महाराज, उनके साथ भी उन्होंने बहुत ही निष्ठा से काम किया, स्वराज्य को आगे बढ़ाया और ऐसे ही नई पीढ़ी को भी स्वराज्य के बारे में और अपने महाराज के बारे में बहुत अच्छा सिखाया। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, हम लोगों को प्राउड फील करना चाहिए ऐसे लोगों से। तो आपको कैसी लगा ये हिस्ट्री और वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा लगा है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है।
सो कैसी लगी अपने वीर मराठे की ड्राइंग जिनका नाम है नेताजी पालकर, कैसी लगी वो मुझे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा, ड्राइंग अच्छी लगी, मेरा कंसेप्ट वीडियो का अच्छा लगा, ये सीरीज अगर आपको अच्छी लगी तो इस सीरीज को और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। साथ ही में अगर आप लोगों ने पहले के कुछ भी वीडियोस नहीं देखे तो मैं आप लोगों को ऊपर आई बटन में वीडियो के लिंक दे दूंगा, मतलब कि प्लेलिस्ट के लिंक दे दूंगा। साथ ही में डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को जो लिंक होगी प्लेलिस्ट की वो आप लोगों को मिल जाएगी। और क्या चीज़ आप लोगों को इस वीडियो में अच्छी लगी वो मुझे कमेंट में बताना मत भूलना। एंड जैसे मैंने पहले बताया कि अभी भी इस सीरीज के 2 वीडियोस बाकी है, तो आपको क्या करना है, अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना है ताकि आप लोग इसमें से कोई भी वीडियो मिस ना करो। साथ ही में मैंने जो ये ड्राइंग बनाई ये थोड़ी रैपिड थी, थोड़े मैंने इसमें ज्यादा स्ट्रोक्स आपको ज्यादा दिखाई देंगे। यहाँ पर मैंने ब्लेंडिंग का यूज नहीं किया या फिर इवेंट शेडिंग जो होती है वो नहीं की है। यहाँ पर मैंने सिर्फ डार्कनेस और हाईलाइट्स यानी कि लाइटनेस इन दोनों चीजों को ऑप्ट करने की कोशिश की है, बहुत ही सिंपल तरीके से करने की कोशिश की है इस ड्राइंग को बनाने के लिए, फिर भी कितनी अच्छी लग रही है ना, है ना। तो इसका भी तरीका होता है, इस रैपिड स्केचिंग का भी, रैपिड पोर्ट्रेट का भी कुछ तरीके होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो कि आपको जानने जरूरी है। तो अगर आपको कुछ जानना है रैपिड स्केचिंग के बारे में या फिर स्केचिंग के बारे में बेसिकली, तो मुझे कमेंट बता देना ताकि आप लोगों को उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो दे दूं ताकि आप लोग उस वीडियो को देखकर अच्छे से समझ जाओ कि स्केचिंग क्या है। दूसरी चीज, जैसे मैंने पहले बताया कि हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए क्योंकि वहां पर भी बहुत से अपडेट्स आते रहते हैं, बहुत से कुछ ऐसी चीजें भी मैं वहां पर अपलोड करता हूँ जो यूट्यूब पर अपलोड नहीं होती है, जो आपको पता नहीं चल सकती, इसलिए वहां पर भी अगर आप लोग फॉलो कर लोगे तो आप लोगों को बहुत सी इन्फॉर्मेशन वहां पर भी आपको मिलने वाली है। अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर, यानी कि आपको इस वीडियो को हर एक को, आपके दोस्त को, आपके फैमिली को, आपके रिलेटिव को, आपके हर एक को, आपके कांटेक्ट में जो भी हो उन सबको इस वीडियो को आप लोग को शेयर करना है, क्योंकि प्लीज ये अपना इंडिया का पास्ट है, अपनी हिस्ट्री है जो कि हर इंडियन को पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, जितने लोगों के पास उनको पहुंचा सकते हैं इस वीडियो को उनको पहुंचाइए, क्योंकि देखो ये मोटिवेशन का, एक छोटे मोटिवेशन का काम कर सकता है आपके लाइफ में। साथ ही में बहुत से ऐसे आर्टिस्ट होंगे जिन्हें कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिल सकता है, जैसे मुझे स्टार्टिंग में मिला था इस वीडियो को बनाने के लिए भी और इस ड्राइंग को बनाने के लिए भी। तो इसलिए प्लीज आप लोग, मतलब कि आपसे रिक्वेस्ट ही करता हूँ कि प्लीज आप लोग इस वीडियो को हर एक को शेयर कर दीजिए। तो ठीक है, मैं मिलता आप लोगों को एक नेक्स्ट सरप्राइजिंग वीडियो में, तब तक के लिए क्या करना है आपको, प्रैक्टिस करना है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है, बाय बाय। एंड हाँ, एक छोटी सा टिप आप लोगों को देना था, एक अच्छी गुड न्यूज बतानी थी कि इस चैनल के ऊपर आप लोगों को इंटरेस्टिंग और बहुत ही फनी, इंफॉर्मेटिव, बहुत ही मिक्स व्लॉग्स आप लोगों को इस, मतलब कि बेसिकली आर्ट व्लॉग्स आप लोगों को इस चैनल पर मिलने वाले हैं। तो क्या करना है आपको पता ही है, सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि ये आर्ट व्लॉग्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। शायद ही किसी ने यूट्यूब पर बनाए होंगे, तो मैं बनाने वाला हूँ। एंड ये ज़्यादातर मैं आउटडोर होंगे, ये घर के बहुत कम होंगे, घर में होंगे बट बहुत कम होंगे, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे। इसलिए क्या करना है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड चलो मैं मिलता आप लोगों को एक नेक्स्ट सरप्राइजिंग वीडियो में, तब तक के लिए क्या करना है आपको, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय।